जय हिंद एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे इंडोमिक्सिस के बारे में। इससे पहले हम बात कर चुके हैं फंगिकेशन के बारे में, ऑटोगेनी के बारे में। तो यहाँ आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रिपीटेशन होंगी, लेकिन आइए देखते हैं कि इंडोमिक्सिस प्रोसेस क्या है। तो पहली चीज़, तो इंडोमिक्सिस में किसी तरह का न्यूक्लियर मिक्सिंग है ना। यहाँ पे आपका जो स्पीसीज है जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका पैरामीशियम ऑरेलिया। तो जनरली ये जो प्रोसेस है ये उसी में होता है जिसमें दो माइक्रो न्यूक्लियस, कितने माइक्रो न्यूक्लियस हो, माइक्रो न्यूक्लियस। तो ये वुड्रफ ने इसकी स्टडी की थी। तो दो माइक्रो न्यूक्लियस रहेंगे और एक माइक्रो न्यूक्लियस, कंडीशन इज टू माइक्रो न्यूक्लियस। जहाँ पे दो माइक्रो न्यूक्लियस रहेंगे उसी स्पीसीज में ये होता है। और वुड्रफ का भी ये सजेशन है कि जब भी किसी पैरामीशियम के अंदर अगर आपका कॉन्जुगेशन प्रोसेस, जो कि हमने पैरामीशियम कॉलेटर में पढ़ा था, वो नहीं होगा तो उस केस में ये होता है, ठीक है। दूसरी चीज, ये 30 डेज में इसका रिपीटेशन होता है। लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट ये है कि अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ऑटोगैमी में या कंजुगेशन में, कंजुगेशन में तो मान लीजिए दो डिफरेंट एनिमल्स को हमने लेके पढ़ा था, दो डिफरेंट स्ट्रेन्स को पढ़ा था, है ना। तो वहाँ न्यूक्लियर का मिक्सिंग हो जाता है। लेकिन ऑटोगैमी में भी हमने देखा कि ठीक है, देयर विल बी मियोसिस एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट एंड देन अगेन द फ्यूजन ऑफ गैमेट इन द प्रोटोप्लाज्मिक कोन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, इस केस में इंडोमिक्सिस में कहीं पे भी न्यूक्लियर का फ्यूजन नहीं होगा, मियोसिस नहीं, ठीक है, मियोसिस भी नहीं, ये ध्यान रखिए। देखिए तो आइए देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे होता है। पहला स्टेप में देखिए, जैसे हम वहाँ पे पढ़ते थे किस केस में, कंजुगेशन के केस में या ऑटोगैमी के केस में, तो यहाँ पे भी जो पहला पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो है कि जो मैक्रो न्यूक्लियस वो क्या है, डिसइंटीग्रेट हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये मैक्रो न्यूक्लियस है जो रेड से दिखाए गए हैं, और ये क्या है जो जो दिखाए गए हैं ब्लू कलर से, वो माइक्रो न्यूक्लियस है। तो मैक्रो न्यूक्लियस आपका क्या हो जा रहा है, डिसइंटीग्रेट हो जा रहा है। जो अदर स्ट्रक्चर भी है जो आपके प्रोटोप्लाज्म में प्रेजेंट, जैसे वेस्टिब्यूल है और कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, वो भी डिसअपीयर हो जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पे, तो नेक्स्ट स्टेप में आपका आपका जो एक माइक्रो न्यूक्लियस था, है ना, यहाँ पे वो 4 टाइम्स माइटोसिस होगा। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट स्टेप ये था, सेकेंड में यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइटोसिस होगा। माइटोसिस ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे माइटोसिस, तो माइटोसिस होने से, और केसेस में हमने देखा था कि यहाँ मियोसिस हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जो कोतवाल की बुक है उसमें दिया है कि ये माइटोसिस है। तो एक बार माइटोसिस होगा तो एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनते हैं, लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ कितने बन रहे हैं, 4, है ना। तो प्रत्येक जो माइक्रो न्यूक्लियस है उसका कितने टाइम्स माइटोसिस होगा, 2 टाइम्स, है ना। तो सेकेंड स्टेप में हमारा क्या हो रहा है कि माइक्रो न्यूक्लियस न्यूक्लियस हमारा वो माइटोटिकली डिवाइड कर रहा है, डिवाइड ट्वाइस, है ना। और इसका रिजल्ट क्या होगा, देर विल बी फॉर्मेशन ऑफ एट माइक्रो न्यूक्लियस। यहाँ पे कितने माइक्रो न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो गया भाई, 8, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, अब हम देखते थे कि न्यूक्लियस का डिसइंटीग्रेशन भी हो जाता था। आपके जो हमने पढ़ा जो है ऑटोगैमी पढ़ा हो या फिर जो है कंजुगेशन पढ़ा,
लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके सारे न्यूक्लियस, वहाँ पे क्या होता था कि इवन जो न्यूक्लियस बचते थे वो ऑड के संख्या बचते थे, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 माइक्रो न्यूक्लियस वो क्या हो जा रहे हैं, बेस इंटीग्रेट हो। कितने माइक्रो न्यूक्लियस बेस इंटीग्रेट हुए भाई? 6। तो ये तीसरा स्टेप है, इसमें 6 माइक्रो न्यूक्लियाई बेस इंटीग्रेट्स ना, और रिमेनिंग कितने हैं? 2 रिमेनिंग है ना। हमारे कितने बच गए भाई? 2 बच गए। यहाँ माइक्रो न्यूक्लियस देखिए, 2 माइक्रो न्यूक्लियस बच गए ना। हम नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या होगा, साइटोकाइनेसिस होगा। देखिए न्यूक्लियस का डिवीजन आपने वहाँ पे भी पढ़ा, इसमें कंजुगेशन में भी ऑटोगैमी में भी, लेकिन ये बनने के बाद इसका फ्यूजन होता था। लेकिन यहाँ तो पहली चीज तो माइटोसिस से बने हैं, दूसरी चीज यहाँ पे जब 2 माइक्रोन्यूक्लियस बच रहे हैं तो यहीं पे आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, मतलब साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका ये जो न्यूक्लियस 2 बने थे, माइक्रो न्यूक्लियस आफ्टर माइटोसिस है ना, तो ये जो बचे थे इनका यहाँ क्या हो जाएगा, इसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस है ना। हम देखते थे कि ऑटोगैमी हो या कंजुगेशन हो, वहाँ जो है साइटोकाइनेसिस तब होता था जबकि न्यूक्लियर का फ्यूजन हो जाता है, जाइगोटिक न्यूक्लियस बनता है, पर यहाँ तो ऐसी कंडीशन है नहीं, यहाँ तो ये हमेशा 2n कंडीशन में ही है। ठीक है, तो यहाँ तो आपको, लेकिन साइटोकाइनेसिस आपका यहीं पे हो जाएगा, जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस बच रहा है वहीं। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में होगा कि आपका जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो 2 बार माइटोसिस से डिवाइड है, ठीक है ना, इन ईच पैरामीशियम, जो डॉटर पैरामीशियम बने हैं उसमें प्रत्येक में ये क्या करेगा कि 2 बार डिवाइड करेगा। इसकी आवश्यकता क्यों है? हमने देखा था कि यही जो माइक्रो न्यूक्लियस होते हैं इन्हीं में से कुछ मैक्रो न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं और कुछ माइक्रो न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम इसको मेंशन कर दें कि यहाँ पे जो माइक्रो न्यूक्लियस है, माइक्रो न्यूक्लियस उसका क्या हो रहा है, वो माइटोटिकली, माइटोटिकली डिवाइड ट्वाइस है ना, देखिए 2 बार डिवाइड हो रहा है। तो एक बार डिवाइड करेगा तो 2 न्यूक्लियस बना, फर्स्ट माइटोसिस स्टेप जो है, ठीक है ना। अच्छा दूसरी बार डिवाइड करेगा तो कितना बन जाएंगे, 4। अब इसमें से देखिए कि इसमें से 2 जो माइक्रोन्यूक्लियस है, जिसको हमने यहाँ डिफरेंट कलर से दिखाया है, ठीक है ना, डिफरेंट कलर से इसलिए दिखाया है कि क्लियरिटी रहे, ये 2 जो है ये किसका निर्माण करेंगे, माइक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस। तो 2 माइक्रोन्यूक्लियाई फॉर्म क्या बनाएंगे भाई, मैक्रो। लेकिन अब यहां से आपको फिर से अपने पहले वाले एनिमल पे आ जाना है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आपके पास कितने मैक्रो न्यूक्लियस है, 1, ठीक है, और माइक्रो न्यूक्लियस कितने हैं, 2। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 ही माइक्रो न्यूक्लियस है, तो क्या होना चाहिए कि हमारे दोनों मैक्रो न्यूक्लियस को 2 2 माइक्रो न्यूक्लियस मिल जाए। तो यहाँ पे दूसरा इम्पोर्टेंट स्टेप होगा कि ईच फ्यूचर, फ्यूचर ही बोलेंगे भाई, फ्यूचर माइक्रो न्यूक्लियाई डिवाइड माइटोटिकली,
ना। और उसके साथ साथ क्या होगा, साइटोकाइनेसिस भी होगा, साइटोकाइनेसिस है ना। जैसे ही इसका डिवीजन होगा, इसका भी डिवीजन होगा और इसका भी डिवीजन होगा, उसके साथ साथ क्या होगा, साइटोप्लाज्म का भी डिवीजन होगा। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए आपका एक जो शुरू में यहाँ बना था पैरामीशियम, वो कितने में डिवाइड हो जा रहा है, दो, ठीक है ना। तो दो में डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए एक ये माइक्रो न्यूक्लियस था, तो उससे मैक्रो न्यूक्लियस बना, लेकिन जो ये माइक्रो न्यूक्लियस था इसका डिवीजन हुआ साथ साथ, तो वहाँ पे क्या बन गया, दो माइक्रो न्यूक्लियस इसमें हो गए, दो माइक्रो न्यूक्लियस इसमें हो गए। तो जहाँ से हमने शुरू किया था, जिस पेरेंट पैरामीशियम से, तो वहाँ से आप देखिए तो ये एकदम सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए कि इंडोमिक्सिस में आपका कहीं पे भी कोई भी न्यूक्लियर फ्यूजन नहीं हुआ। इसको हम लोग यहाँ एक बार पॉइंट वाइज देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे अलग हो रही हैं। पहली चीज़ तो नो न्यूक्लियर मिक्सिंग है ना, कोई न्यूक्लियर मिक्सिंग नहीं हुआ कहीं पे भी। आपको क्या न्यूक्लियर का फ्यूजन दिखता है, नो माइटोसिस, नो मियोसिस है ना। यहाँ पे मियोसिस की बजाय क्या हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है। दूसरी चीज यहाँ पे देखिए तो आपका जो जब आपका 8 माइक्रोन्यूक्लियाई बन गए थे, तो उसके बाद जब 6 का डीजेनरेशन हुआ, तो यहीं पे आपका क्या हो जा रहा है, साइटोकाइनेसिस हो रहा है ना, साइटोकाइनेसिस। तो आप कहेंगे फिर इस प्रोसेस का क्या इम्पोर्टेंस रह गया सर। देखिए सपोज करिए ये जो माइक्रो न्यूक्लियस है, इसके अंदर कोई एलील है ए ए ना, इसके अंदर है इसका म्यूटेंट, सपोज करिए स्मॉल ए ए है, ठीक है ना। तो डिप्लॉयड कंडीशन में है दोनों में। अब अगर यहाँ पे दोनों का सेपरेशन होता है, तो चांस है कि इसमें ए ए को चला जाए, इसमें ए ए चला जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो डाइवर्सिटी है इस पैरामीशन के, उसी का क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जा रहा है। तो एक तरह से ये ऑटोगैमी को ही प्रमोट कर रहा है, लेकिन हम ऑटोगैमी इसलिए नहीं कह सकते कि सपोज करिए ये ए ए, ठीक है। तो यहाँ पे भी जो बनेगा आपका माइक्रो न्यूक्लियस, वो क्या बनेगा, अगर यहाँ पे सपोज करिए होमोजाइगस कंडीशन है और दूसरे न्यूक्लियस में भी होमोजाइगस कंडीशन है, तो यहाँ पे दो जो है होमोजाइगस कंडीशन में बनेंगे और दो जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव। तो एक तरह से हम कहें तो जो ये आपका पेरेंट जो है पैरामीशियम है, उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इट कुड बी ए न्यू अडाप्टेशन, ठीक है। तो आप इस वीडियो को आराम से देखिए और इसका नोट्स बना लीजिए। हमारा अद्वैता एकेडमी के सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप हमें लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो, ये चैनल पसंद आया है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण है कि आप बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आप हमारे अगले वीडियो का अपडेट प्राप्त कर सकें। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप जो है, आपको अगर इन वीडियोस में कहीं भी कोई प्रश्न लगता है या हमें या आपको ऐसा लगता है कि छूट गया है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।